नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त, आपका गुरु, आपका टीचर, आपका मेंटर आशीर्वाद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। तारीख है आज 12 मई 2020 की, लॉकडाउन का 49th डे, 49वां दिन, लॉकडाउन 3.0 का लगभग 9वां दिन आज। दोस्तों मैं हूं आपके साथ आशीर्वाद, स्वागत करूंगा अनअकैडमी यूपीएससी पर। प्रारंभ करेंगे अपना एडिटोरियल सेशन हम लोग। सुबह समय के हो चुके हैं 9:06। बात करेंगे एडिटोरियल सेशन में, क्या हिंदू एडिटोरियल्स में दोस्तों आज। दोस्त शुरू करते हैं सेशन हम लोग। मैं चाहूँगा मेरी आवाज़ और मेरा वीडियो आप तक पहुँच रहा है कि नहीं बता दीजिए मुझे पहले आप लोग, फिर हम शुरू करेंगे आपके साथ इस क्लास को अपनी। जी हाँ, सब कुछ ठीक चल रहा है, थैंक यू चंदन बताने के लिए। शुरू करते हैं दोस्तों आपके साथ आज का सेशन क्या है हमारे सेशन खास में आज हमारे। चलिए, जैसे आप जानते हो अकेडमी सब्सक्रिप्शन आपके लिए हम लोग ला रहे हैं। 2021 के लिए कोर्स चालू होने वाले हैं बहुत जल्दी आपके लिए, तो ज्वाइन कीजिए हमको वहाँ पर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर, जहाँ पर 2021 के लिए विशेष कोर्स लॉन्च होने वाले हैं बहुत जल्द ही आपके लिए। और तैयारी को मुकम्मल कीजिए हमारे साथ आकर और तैयारी को बेहतरीन कीजिए। बात करेंगे इसमें बाद में आपके साथ, पहले हम लोग आज के कार्टून कोने में क्या है दोस्तों। तो आज के कार्टून कोने में क्या है देखा जाए एक बार आपके साथ। तो आपके कार्टून कोने में आज ये तस्वीर, ये कार्टून, कार्टून नहीं एक प्रकार की सच्चाई भारत की। यहाँ पर वंदे भारत का वजन ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पर मनी पावर है, वहीं माइग्रेंट लेबर जो मर रहे हैं सड़कों पर, ट्रेन की पटरी में कट रहे हैं, बच्चे पैदल चल रहे हैं, उनका वज़न काफ़ी हल्का है देश के न्याय के तराजू में, सामाजिक न्याय के इस तराजू में काफ़ी कमज़ोर वज़न है हमारे माइग्रेंट लेबर का। जी हाँ दोस्तों, ये सच्चाई है, इसमें दो राय नहीं है। कल मैंने एक फेसबुक पोस्ट किया था इस पर आधारित और आज देख रहा हूँ कार्टून में दिया गया। काफ़ी हद तक देश में चर्चा जो है वही हम देख रहे हैं यहाँ पर, किस प्रकार ये है भारत, इंडिया हमारा, और ये है हमारा भारत। भारत की जनसंख्या ज़्यादा है लेकिन वज़न बहुत कम है, इंडिया की जनसंख्या कम है लेकिन वज़न बहुत ज़्यादा है। तो वज़न यहाँ पर संसाधनों का है। कुछ लोगों ने कहा कि सर आप कंपेयर नहीं कर सकते इन दो लोगों को, अमीर होना कोई जुर्म नहीं है। जी हाँ, अमीर होना कोई जुर्म नहीं है। मैंने कल जो फेसबुक पोस्ट में कहा था, इसी प्रकार का एक फेसबुक पोस्ट था मेरा, मैंने कहा था वापस लौट रहा है भारत, वापस लौट रहा है इंडिया। उसमें मैंने एक बात समझाने की कोशिश की दोस्तों, समझिएगा एक बहुत बेसिक प्रिंसिपल, हमें अमीर विमान से आ रहे हैं, विदेशों से आ रहे हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है, बहुत स्वागत है, अच्छा प्रयास सरकार का है, मैं मानता हूँ सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। हम कंपेयर कर रहे हैं सरकार के एटीट्यूड को, हम कंपेयर अमीरों की सुविधा को नहीं कर रहे हैं। मैं कोई मार्क्सवादी विचारधारक नहीं हूँ कि मैं अमीरों के खिलाफ काम करूँगा। अमीर है ना, आपने मेहनत से योग्यता से कमाया है, स्वागत है, आप टैक्स को टैक्स पे करते हैं, रेमिटेंस देते हैं सरकार को, देश खुशहाल होता है, दो राय नहीं है। आपके प्रयासों से भारत आगे बढ़ रहा है, नया भारत बनने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट्स हैं, हमारी सरकारें हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उनके द्वारा अपनाए जा रहे भेदभाव, उनके द्वारा किए जा रहे प्रयास ना काफ़ी हैं हमारे गरीब मजदूरों के लिए। किस प्रकार हमने उनको छोड़ दिया उनके रहमोकरम पर और उनको प्रेशराइज कर रहे हैं कि मत जाइए शहर छोड़कर। मैं कल बात कर रहा था इस टॉपिक पर आपके साथ, हम उनको सुविधाएं देने में असफल रहे हैं। आज लॉकडाउन के लगभग 50 दिन बाद भी अब मजदूरों को अब घर नहीं पहुंचा पाए हैं, या हम कहें मजदूरों को सुविधाएं नहीं दे पाए हैं। यदि हम सुविधा देते तो शायद वो शहर छोड़ गांव नहीं जा रहे होते, पर्याप्त राशन दे रहे होते लॉकडाउन के 50 दिन बाद भी हम लोग, तो शायद कोई हिम्मत नहीं करता कि जाए अपने गांव, वो अगर उसको राशन पैसा मिल रहा है घर बैठे बैठे तो। लेकिन हम ऐसा करने में फेल रहे, हमारी सामाजिक सुरक्षा का जो नेटवर्क है, सोशल सिक्योरिटी नेट बोलते हैं भाषा में अपनी, इस सामाजिक सुरक्षा का जो जाल है वो हम नहीं दे पाए मजदूरों को, जिस कारण को माइग्रेट करना पड़ रहा है, रिवर्स माइग्रेट करना पड़ रहा है अपने गाँव, अपने शहर, अपने छोटे कस्बों की ओर।
हमें नहीं बोलना चाहिए। फेलियर किसकी कही जाएगी, कौन देता है सामाजिक सुरक्षा मुझे, क्या मैं दूंगा अपने आप को? जी नहीं, गरीब परिवारों को सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क नेट देने की जिम्मेदारी किसकी होती है दोस्तों? वो होती है एडमिनिस्ट्रेशन की, प्रशासन की, सरकारों की, और वो देने में हम फेल रहे हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो यहाँ पर या सेंट्रल गवर्नमेंट हो यहाँ पर। सेंट्रल गवर्नमेंट इसलिए भागीदार है क्योंकि इंटरेस्ट रेट, कल मुझे कहा कि सर राज्य सरकार जिम्मेदारी आप सेंट्रल क्यों टारगेट कर रहे हैं, फेसबुक में पोस्ट में किसी ने कहा सर सेंट्रल गवर्नमेंट का काम नहीं है ये देखना, ये राज्यों की जिम्मेदारी, मजदूर वहाँ रहते हैं, मजदूरों का कल्याण करना राज्यों की जिम्मेदारी है। जी हाँ बिल्कुल सही है दोस्त, आपका तर्क बिल्कुल सही है, लेकिन एक बात ये भी आपको याद रखना होगा कि इंटर स्टेट ट्रांसपोर्टेशन, अंतर राज्यीय संचार परिवहन जिम्मेदारी केंद्र की होती है, ट्रेन चलाना जिम्मेदारी केंद्र की है, विमान चलाना जिम्मेदारी केंद्र की है, ऑल इंडिया परमिट अगर गाड़ियों को मिलेगा तो कौन देगा? केंद्र देगा निश्चित तौर पर। ऐसे में आप ये नहीं कह सकते कि राज्य की जिम्मेदारी, दोनों सरकारी जिम्मेदार हैं, स्टेट भी जिसका काम था वेलफेयर करना मजदूर का अपने लोगों का, और दूसरी बात जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है जिस तरीके से उनका परिवहन हो रहा है वो भी गलत है, वो जिम्मेदारी केंद्र की है। तो दोनों जिम्मेदार हैं यहाँ पर, यहाँ केंद्र राज्य में कोई अंतर नहीं है, दोनों सरकारें गलत कर रही हैं। हमारा काम है सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क को बढ़ाना। एक छोटा सा न्यूज़ था कल था हिंदू मधुमट, सुन लीजिए दोस्तों, मैं चलूँगा आपके संग आर्टिकल पर। कल एक न्यूज़ आया था द हिंदू में था, उसमें कंपेयर उन्होंने किया था कि न्यूज़ था वो आर्टिकल नहीं तो मैं पढ़ा था आपको, न्यूज़ था वो कल, उसमें उन्होंने कंपेयर किया था कि यूरोपियन वेलफेयर मॉडल वर्सेज अमेरिकन वेलफेयर मॉडल। उन्होंने बताया कि बैकवर्ड रुकिंग इस टॉपिक पर, उन्होंने बताया कि किस प्रकार यूरोप में जो कल्याणकारी मॉडल है वो ज़्यादा इफेक्टिव है मुकाबले में अमेरिका के। अमेरिका में क्या होता है, यूरोप में क्या है ना, वहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट है आप मजदूर हैं, आप कामगार हैं, आप गरीब हैं, सरकार का एक तंत्र बना हुआ है, एक सिस्टम बना हुआ है पहले से, सरकार हासिल बैठे पैसा देती है उसको और वो सिस्टम आपके लिए काम करता है। आपके पास नौकरी नहीं है, आपके पास रोजगार नहीं है, आपके पास खाने को नहीं है, वो सिस्टम काम करता रहेगा पैरलर में, ठीक है। अमेरिका में ऐसा नहीं है, अमेरिका में क्या होता है, जब मानते हैं सब लोग अमीर हैं वहाँ तो सब लोग ठीक ठाक चल रहा है, आप कमाइए अपना, भरिए पेट अपना, और जब संकट आएगा आप भूखे रह जाएंगे, संकट आएगा आपके ऊपर या क्राइसिस आएगा कोई देश में तो सरकार एक पैकेज जारी करेगी अलग से आपके लिए और आपको सहायता देगी, यानी संकट आने पर विशेष सहायता पैकेज जारी होगा अमेरिका में से $2 trillion का जारी किया अमेरिका ने। वही इन देशों ने, यूरोपियन देशों ने, इनका बाय डिफॉल्ट सिस्टम इतना अच्छा है कि यहाँ पर उनको अलग से पैकेज नहीं देना पड़ेगा, कोई राहत पैकेज नहीं देना पड़ेगा इनको कोई, ये केवल जो सिस्टम चल रहा है उसी को एनहेंस कर देंगे। अमेरिका में नए प्रयास करने पड़ेंगे, भारत की बात ही नहीं कर रहा हूँ कि दोनों विकसित पक्षों की बात हो रही है। हमारी अभी जिम्मेदारी क्या है, अगर सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क बाय डिफॉल्ट होता है सरकार पैकेज द्वारा दे, हमें दोनों काम कर रहे होंगे। सरकार पैकेज जारी कर रही है 1.7, जैसे अमेरिका ने किया 2 trillion का, हम भी जारी कर रहे हैं 1.7 lakh crore का, लेकिन हमारे यहाँ संस्थाएँ नहीं हैं जो डिलीवर कर पाएँ लोगों तक। पैकेज हैं, पैकेज देने की क्षमता भी है सरकार की, देगी भी आजकल, मैं उम्मीद कर रहा हूँ पैकेज आ भी रहे हैं, लेकिन वो डिलीवरी तंत्र नहीं है जो होना चाहिए। तो यहाँ किसकी गलती है, यहाँ सरकारी गलती कम है, यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन गलती ज़्यादा है। एडमिन नहीं है हमारे पास जो राशन को पहुँचा सके आम जनता तक, एडमिन नहीं है हमारे पास जो जनता को विश्वास दिला सके हम आपके लिए खड़े हुए हैं यहाँ पर, आपकी हेल्पलाइन फ़ोन कीजिए मदद करेंगे आपकी आकर, नहीं है। अस्पताल में डॉक्टर्स कम थे, स्कूल में शिक्षा कम है या टीचर्स कम है, तो ये एडमिन की समस्या है, सरकार बजट जारी कर रही है, यानी कहीं ना कहीं प्रशासन, इसलिए मैं कह रहा हूँ प्रशासनिक स्तर पर सोचें आप तो आपको देखिएगा इंडिया और भारत का अंतर। इनके लिए प्रशासन है क्योंकि इनमें पैसा है, इनके लिए प्रशासन है। हम कजाकिस्तान से एक परिवार उसके कुत्ते को बचा के ले आते हैं, उसके कुत्ते को रेस्क्यू कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग इंसानों को रेस्क्यू नहीं कर पा रहे। कंपेयर नहीं कर रहा हूँ यहाँ, केवल बता रहा हूँ मैं एडमिन की बात कर रहा हूँ, जोड़िए इस बात को। यूरोप में एक तंत्र है बाकायदा, तो उन्हें पैकेज नहीं देना पड़ता, कोई छोटा पैकेज दिया, सिस्टम इतना अच्छा है कि व्यक्ति तक पहुंच जाता है। अमेरिका में सिस्टम नहीं है, तंत्र नहीं है, लेकिन पैकेज बड़ा होता है, लोगों तक कुछ ना कुछ पहुंच ही जाता है। हमें हमारे लिए दोनों काम करने होंगे, पैकेज भी जारी करना होगा और मैकेनिज्म भी तैयार करना होगा जिससे अंतिम व्यक्ति तक हम लोग पहुँच सकें। दोनों सब काम करना होगा, वी नीड अ स्टिमुलस पैकेज, वी नीड अ फिस्कल पैकेज, वी नीड अ राहत पैकेज हमको चाहिए, साथ ही साथ हमको एक मैकेनिज्म चाहिए लोगों तक पहुंचाने के लिए, वो चाहे जनधन अकाउंट हो, पीडीएस सिस्टम हो, मे बी लेबर रिफॉर्म्स हो, मे बी कुछ और फैक्ट्री एक्ट हो, हमें उनको बेहतर करना होगा जिससे हम गरीब आदमी तक पहुंच सकें और सामाजिक सुरक्षा का दायरा, उसका सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क को हम लोग स्ट्रांग कर सकें। चलिए दोस्तों कार्टून से बाहर आऊँगा मैं, कई बार एडिटोरियल में नहीं होती चीज़ें लेकिन जोड़ना ज़रूरी होता है आपको, आप जितना सोचेंगे तो समझ में आएंगी चीज़ें दोस्तों, जरूरी नहीं कि अखबार में कोई लिख के देगा तो समझ में आएंगी बातें, ये आपको नॉलेज होना चाहिए बाय डिफॉल्ट कि क्या गलत हो रहा है। आखिर जितना पढ़ें, किसी कहते पढ़ना बहुत ज़रूरी चीज़ों को, आप जितना पढ़ेंगे चीज़ों को ना खुद से आएगा। देखिए आशीर्वाद सर को सुन के आप वही ज्ञान सुनेंगे जो मैं सिखा रहा हूँ, खुद से पढ़ेंगे आप वो सीखेंगे जो मैं नहीं सुना रहा हूँ।
मैं मीडिया लाइन में था कुछ साल, सरकारी चैनल में काम किया राज्यसभा टीवी में, फिर प्राइवेट चैनल में मैं गया। प्राइवेट चैनल में मैं जो चैनल में था, प्राइवेट चैनल नाम नहीं लूँगा, लेकिन उस चैनल में मैं दो साल काम किया। वो देश के सबसे बड़े चैनल को फॉलो करते थे, वहाँ चल रहा है उनके यहाँ चल रहा है हमारे भी चलना चाहिए, उनके यहाँ दिखाया गया विजुअल हमारे भी दिखाया जाना चाहिए, उनके यहाँ ये ब्रेकिंग चल रही है हमारे यहाँ ब्रेकिंग चलनी चाहिए। हम उसे फॉलो कर रहे हैं, हम उसे फॉलो कर रहे हैं, हम नंबर दो पर हैं, वो नंबर एक पर है, हम उससे आगे नहीं निकल सकते, हम उसके फॉलोअर बन के रह जाएंगे क्योंकि हम उसे सिर्फ फॉलो कर रहे हैं। नंबर एक पर कब होंगे? जब हम कुछ इनोवेट करेंगे, खुद सोचेंगे, खुद नया दिखाएंगे। जब तक हम खुद इनोवेट नहीं करेंगे तब तक नंबर एक पर नहीं आ सकते हैं। यदि हमें कुछ अच्छा करना है तो आशीर्वाद सर को तो बहुत लोग सुन रहे हैं, इस हिंदू एटल को तो बहुत लोग पढ़ रहे हैं, इसमें नया क्या है? हमने क्या किया? हमने खुद दिमाग लगाया, हमने खुद और पढ़ा चीज़ों को, यहाँ पर हमने अपने विचारों को एक जगह रखा, हमने उसको थिंक आउट किया कि यार क्या क्या चीज़ें हैं आज दुनिया में, क्या हो रहा है, हम कहाँ फेल हो रहे हैं। तो हो सकता है एटल के अंदर ना छुपा हो, एटल सब पढ़ लेंगे, आप सब लोग नंबर एक पर हैं, फिर तो नहीं, आप उसके फॉलोअर बन के रहेंगे। ज़रूरी थोड़ा और सोचें, और सोचें भारतीय कानून क्या है वो सोचें, तब अपने आंसर को और बेहतर हम कर पाएंगे। कभी और बात करूँगा दोस्तों, समय का अभाव रहेगा हमेशा, इसलिए मैं हमेशा चाहता हूँ पढ़ता रहूँ जिससे मैं दूसरों से आगे रहूँ। हमेशा ये कॉम्पिटिशन मेरा खुद से होता है कि यार मुझे कल से ज़्यादा सीखना होता है, मैंने जो पढ़ा अखबार में जो नहीं दिख रहा है उसको भी निकालना होता है, इसलिए ज़रूरी है पढ़ते रहें, ज़रूरी है। बुक्स हैं, बहुत ज्ञान है यार किताबों के अंदर, बहुत ज्ञान किताबों के अंदर है, अखबारों के अंदर है, पढ़िए खुद से अखबार, ज़रूरी सर का सहयोग लीजिए, आशीर्वाद सर हैं आपके साथ, सहयोग लीजिए मुझसे, लेकिन खुद भी पढ़ना सीखिए। आपको लगता है कि केवल आप YouTube देखकर या केवल दो चार वीडियो देखकर सिलेक्शन हो जाएगा? थोड़ा मुश्किल दोस्त, जब तक आपके खुद के विचार नहीं होंगे, आपके खुद के यंग इनोवेटिव विचार होने चाहिए, तब आपके पास थिंक टैंक, आपका दिमाग में थिंक होगा कुछ और आप लिख पाएंगे आंसर को बेहतर, तभी कुछ नया होगा, तभी कुछ बदलाव होगा। वरना ये ज्ञान तो सब लोग सुन रहे हैं शुरू से ना यार, 50 साल से ज्ञान लिखा जा रहा है अखबारों में, लोग पढ़ के छाप रहे हैं, बदलाव क्यों नहीं हो रहा? निश्चित तौर बदलाव इसलिए क्योंकि आप नया नहीं सोच रहे हैं। नया सोचिए यार, इनोवेटिव सोचिए, बहुत काम आएगा लाइफ में। आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ से। आज 12 मई 2020 का दिन सच बोलने का दिन है, सच बोल रहा हूँ मैं आपसे, तो चिंता मत कीजिए। आगे बढ़ते हैं समय ना खराब करते हुए। पहला आर्टिकल प्लाज्मा थेरेपी के ऊपर दोस्तों, प्लाज्मा थेरेपी पर। मेरी आवाज़ पहुंच रही है दोस्तों? ठीक बात है। अ वेलकम चेंज, द पैनडेमिक इज आइडियल अपॉर्चुनिटी टू टेस्ट द बेनिफिट्स ऑफ प्लाज्मा थेरेपी। देखिए ये कोई विशेष बात नहीं है, आर्टिकल विशेष नहीं है, छोटा सा आर्टिकल है, एटोल है छोटा सा ये। इसमें जो आप जानते हैं प्लाज्मा थेरेपी चल रही है, कोविड प्लाज्मा थेरेपी, जिसके तहत ऐसे मरीज जो ठीक हो चुके हैं कोविड 19 से, उनका ब्लड का प्लाज्मा लेकर इन्फ्यूज़ कराया जाता है किसी पेशेंट में, क्योंकि उनकी बॉडी में जो ठीक हो चुके हैं मरीज, जो रिकवर कर चुके हैं पेशेंट, उनकी बॉडी में एंटीबॉडी बन चुका है, उनके खून में एंटीबॉडी आ चुका है कोविड 19 से लड़ने के लिए। अब वो प्लाज्मा, वो एंटीबॉडी प्लाज्मा सहित आपकी बॉडी में, मरीज़ की बॉडी में इन्फ्यूज़ कराए जा रहे हैं, उसमें लगाया जा रहा है, जिससे उसकी बॉडी भी एंटीबॉडी से लड़ सके और एंटीबॉडी आ सके और वो प्लाज्मा वाली थेरेपी से वो लड़ सके कोविड 19 से। वो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मुश्किल नहीं है। मुश्किल क्या है? इसकी प्रोसेस भी मुश्किल नहीं है, इसकी परमिशन प्रोसेस। जैसे हमने देखा दिल्ली में केस आया, दिल्ली में सही किया गया उस केस को, सीएम केजरीवाल ने कहा भी कि हमने सफलता प्राप्त कर ली है। उसके बाद कोविड 19 को लेकर आईसीएमआर ने कहा नहीं है, बहुत जल्दबाजी होगी, अभी सफलता इसकी सुनिश्चित नहीं है। कोविड 19 को लेकर आईसीएमआर ने खुद टेस्ट करना स्टार्ट किया। मैं आता हूँ आर्टिकल पे दोस्तों आपके साथ में। आईसीएमआर ने 8 मई को, अभी कुछ दिनों पहले की बात दोस्तों, 8 मई को आईसीएमआर ने क्लियर किया कि भैया हम लोग फेज 2 ट्रायल कर सकते हैं। किसकी दोस्तों? इस प्लाज्मा थेरेपी की। जी हाँ, 8 मई को घोषित किया आईसीएमआर ने कि हम तैयार हैं फेज 2 ट्रायल के लिए इस प्लाज्मा थेरेपी की। पहले 20 मरीजों को हमने करके देखा था, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है, अब आवश्यकता है कि फेज 2 में जाएं इसके हम लोग यहाँ पर। पहले हमने 20 मरीजों पर करके देखा हमने यहाँ पर, और पाया कि काफ़ी सक्सेसफुल रही है अपने आप में थेरेपी ये, अब इसको फेज 2 यानी अधिक मरीजों पर किया सकता है। अच्छी बात है, ऐसा है तो अच्छी बात है। यहाँ पर इन पॉइंट बात क्या है, दुनिया में जब भी ऐसी बीमारियाँ फैली हैं प्लाज्मा थेरेपी हमेशा कारगर रही है। एकाध केस छोड़ दीजिए एबोला वाला, आमतौर पर ऐसी थेरेपी सफल रही हैं। मैं अगर नाम दे पाऊँ आपको यहाँ पर, उन बीमारियों को नाम दे पाऊँ मैं यहाँ पर आपको, अगर पहुँच पाएंगे हम लोग यहाँ पर, कि बीमारियाँ जैसे कि प्लाज्मा थेरेपी अबाउट अ सेंचुरी ओल्ड हैज शोन अस सम बेनिफिट्स इन द मिजल्स, खसरे में काम आई है आपको, चिकन पॉक्स में, रेबीज में काम आई है, लेकिन हाँ मार्स और सार्स में भी काम आई है काफ़ी हद तक अपने आप में ये, लेकिन इबोला में ऐसे काम नहीं आई। तो निश्चित तौर पर एक अपवाद भी है जहाँ ये थेरेपी काम नहीं आई, लेकिन फिर भी कोविड 19 के प्रारंभिक संकेत दिखा रहे हैं कि सफल हो रही है थेरेपी ये, तो इसको और बड़े स्केल पर किया सकता है। खास बात है कि इसको करने के लिए प्लाज्मा थेरेपी से नुकसान नहीं है, मतलब अपने आप में मैं कहूँ यहाँ पर कि इसका कोई आपको
ट्रायल बहुत परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी यहाँ पर, इसका फील्ड ट्रायल नहीं करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, आपको सीधे आप ग्रास रूट पे इसको ला सकते हैं। चलिए अच्छी बात है। यहाँ पर ओनली 3 स्मॉल स्टडी इन्वॉल्विंग 21 कोविड-19 पेशेंट हैव बीन कैरेड आउट बट नॉट इन ट्रायल्स वेयर द पार्टिसिपेंट विद कंट्रोल्ड आर्म। सुनिएगा, यहाँ पर लगभग 21 में से 3 केस ऐसे रहे, 20 में 3 केस ऐसे रहे जहाँ पर सीधे मरीज को आपने दिया, यहाँ पर यानी कि नियमों को साइड में रखकर आपने दिया मरीज को ये इलाज। कोई समस्या नहीं, आर्टिकल पर समरी आ दूँ, समरी कर लेता हूँ मैं आपके साथ, समरी कर दूँ यहाँ पर। अगर ये थेरेपी सफल होती है, सफल होती दिख रही है हमको यहाँ पर, ये अगर ये सफल होती है तो निश्चित तौर पर एक अच्छी कारगर उपाय होगा पहली बात तो। दूसरी समस्या क्या होगी, वो है नंबर ऑफ एक्सपर्ट डॉक्टर्स। वी नीड, हमको एक्सपर्ट्स ही रहेंगे इस काम के लिए, क्योंकि प्लाज्मा बॉडी से निकालना या ब्लड निकाल के उसके प्लाज्मा अलग करना उसमें से और फिर इन्फ्यूज़ करना, ये एक तकनीकी प्रोसेस है। जैसे वैक्सीन देना या ड्रग देना आसान काम है, दवा लिख के देना, दवा बन के आ रही है दे दीजिए, लेकिन प्लाज्मा थेरेपी में एक एक पेशेंट के लिए आपको समय देना पड़ेगा, उस पर इन्फ्रा चाहिए आपको, क्या इतना इन्फ्रा हमारे पास है। चुनौती ये भी होगी आने वाले दिनों में कि ICMR अगर अप्रूव करता है तो नंबर ऑफ प्लाज्मा हमारे पास है, नंबर ऑफ़ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है, नंबर ऑफ़ एक्सपर्ट हमारे पास है जो उसको कैरी कर पाएँ, आगे ले जा पाएँ, चुनौती वो भी रहेगी। तो निश्चित तौर पर केवल इसका ट्रायल ही चुनौती नहीं है, इसके जैसे दवा होती है, दवा को आपने ट्रायल में लगा दिया, दवा बन गई, दवा को ट्रायल में लगा दिया, सफल हो गई तो बना के बांट दीजिए, बहुत आसान काम है। वैक्सीन बन गई, बांट दीजिए, बहुत आसान काम है। लेकिन ये जो है प्लाज्मा थेरेपी अगर अप्रूव भी हो जाती है तो उसके बाद कठिनाई चालू होगी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लाज्मा डोनर और डॉक्टर्स एक्सपर्ट्स हमको आवश्यकता पड़ेगी, तो उसकी समस्या हमको आ सकती है आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में। आगे बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ पर। चलिए, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, आर्टिकल में ज़्यादा बढ़ेंगे, वो सीधा आगे बढ़ेंगे यहाँ से। ओके, ये आर्टिकल पे आता हूँ मैं आपको, ज़्यादा कम का आर्टिकल, रेस टू द बॉटम, ये पेपर 3 में काम आएगा आपको, इकोनॉमी में, और ये हिंदू में नहीं है, ये मैंने लिया फाइनेंशियल एक्सप्रेस से, मे बी 80 से, मे बी शायद इकोनॉमिक टाइम से लिया मैंने आर्टिकल। ये रेस टू द बॉटम, सुनिए आराम से। होता क्या दोस्त, सुबह सुबह 14 अखबार पलटने पड़ते हैं, कहीं कौन सा भूल जाता हूँ, कौन सा निकाला है मैंने, किसी बिजनेस अखबार से लिया मैंने ये। रेस टू द बॉटम, डीरेगुलेशन डज नॉट मीन गोइंग अवे विद द रूल ऑफ लॉ, दिस विल नॉट सपोर्ट इन्वेस्टमेंट। बड़ा अच्छा लगा पढ़ के मुझे आर्टिकल, ये क्या कहता है ये आर्टिकल यहाँ पर कह रहा है दोस्त कि कई सरकारों ने अपने यहाँ मजदूर या श्रम या लेबर लॉ थोड़ा लैक्स कर दिए हैं। कल हम बात कर रहे थे इस बारे में, मध्य प्रदेश में, यूपी में लेबर लॉ थोड़ी ढील दी गई है, लेबर लॉ में वहाँ पर, वहाँ तक कोई समस्या हमको नहीं है, आराम से ढील दीजिए आप लोग। लेकिन इसके चलते हुआ क्या, लेबर के राइट्स का वायलेशन होगा, उनको कंप्लेंट करने का अधिकार नहीं होगा, 12 घंटे काम करना पड़ सकता है उनको, ओवर टाइम का पैसा नहीं मिलेगा, हो सकता है इंडस्ट्री को पिकअप, इंडस्ट्री आगे बढ़ पाए, इंडस्ट्री पिकअप कर पाए ग्रोथ मोमेंटम, इसके लिए हमने लेबर लॉ को थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया, थोड़ा सा आराम कर दिया है, ये समरी एक लाइन में कहा जाए तो। लेकिन बात यहाँ पर आती है, आशवा जी ये बताइए कि क्या केवल लेबर लॉ को ही कम करने से मोटिव क्या है इनका, इन राज्यों का, आखिर क्या चाहते हैं, क्या होगा लेबर लॉ को रिलैक्स करने से? तो राज्यों का जवाब आता है कि सर इससे ना हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, निवेश बढ़ जाएगा, निवेश बढ़ेगा क्योंकि बैंक सस्ता लोन दे रहा है, बैंक इसी लोन दे रहा है, LTRO आ गया, LTLTRO आ गया, रेपो दर कम हो गई है, RBI ने पैसा खूब बांटने को कहा है, नबार्ड को, NHB को, पैसा वहाँ से लेंगे लोग, सस्ता पैसा उठाएंगे, सस्ते लेबर लॉ हैं, आसान लेबर लॉ हैं, निवेश करेंगे, कुल मिला के देश में निवेश बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, ये सोच है राज्यों की कि इससे न्यू इन्वेस्टमेंट, जो उनको लगता है लेबर लॉ हर्डल हैं, उनको लगता है श्रम कानून एक बाधाएं हैं, वो बाधाएं खत्म हो जाएंगी इंडस्ट्रीज़ को, वो सीधा बड़ा निवेश करेंगे हमारे राज्यों के अंदर। अच्छा, कौन कौन से राज्य हैं सर इसमें, तो बता दीजिए सर आपको यहाँ पर राज्य कौन कौन से दोस्तों लिस्ट में अब तक आ गए हैं। UP आ गया है, गुजरात, राजस्थान, असम, पंजाब, मध्य प्रदेश, और मैं कहूँगा अगर मैप में देखें हम लोग तो असम, UP, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब, यानी कि विंध्य के ऊपर के राज्य, यानी कि उत्तर भारत के राज्य या पूर्वी भारत का असम, कुल मिला के राज्य ऊपर के हैं, उत्तर भारत के हैं। तो क्या उत्तर भारत के राज्यों में लेबर लॉ आसान करने से इन्वेस्टमेंट आ जाएगा? आप खुद बताइए, क्या आपके आसपास, आप में से काफ़ी भाषी हिंदी भाषी लोग होंगे जो देख रहे होंगे, आप सोचिएगा कि आपके देश में, आपके इलाके में, आपके क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट ना होने का कारण केवल लेबर लॉ है या कुछ और बड़ी बातें हैं? फॉर मी कुछ और बड़ी बातें हैं। बात करें हम लोग, मैं उत्तर भाषी राज्यों में हमने काफ़ी रहा हूँ, काफ़ी देखा है मैंने, MP में, महाराष्ट्र में, साउथ में रहा हूँ मैं काफ़ी लंबे समय तक, तमिलनाडु में रहा हूँ काफ़ी लंबे समय तक, मैं हैदराबाद में रहा हूँ, MP में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में हूँ काफ़ी लंबे समय से। ऐसे में एक अंतर हमको दिखाई देता है, MP में इन्वेस्टमेंट नहीं है, तमिलनाडु में इन्वेस्टमेंट है, महाराष्ट्र में इन्वेस्टमेंट है, लेकिन दिल्ली में नहीं है उतना। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों है आखिर? तो उसके पीछे केवल लेबर लॉ काम नहीं करते हैं, इसके पीछे कई और फैक्टर, जैसे कि
मे बी सोशल कैपिटल, मे बी इंफ्रास्ट्रक्चर, मे बी रूल ऑफ गवर्नेंस, मे बी मोड ऑफ गवर्नेंस, काफ़ी फैक्टर काम करते हैं। तो ऐसे में इन राज्यों का ये सोचना कि केवल इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट को हटा देने से, कि केवल फैक्ट्री एक्ट को सस्पेंड करने से, मजदूरों के अधिकारों को छीनने से इनके यहाँ निवेश आ जाएगा, इनकी एक बड़ी गलतफहमी है। सुनिए आश्वासन की बात यहाँ पर, इनका मानना है कि कई प्रकार के अधिकार छीन लिए जाएं मजदूरों से, अगर कई प्रकार के अधिकार छीन लिए जाएं, अगर जैसे कि एग्जांपल लें कौन कौन अधिकार छीन रहे हैं ये, इनका कहना है कि जो फैक्ट्रीज एक्ट है वो 3 साल के सस्पेंड कर दिया जाए, फैक्ट्री अधिनियम सस्पेंड कर दो 3 साल के लिए। इसके अलावा जो मजदूरों की सुरक्षा के नियम होते हैं, सेफ्टी ऑफ जो वर्कर है, उस नियम को सस्पेंड कर दो आप। रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ लेबर कोर्ट, बिना श्रम न्यायालयों के विवादों को निपटान करने का प्रोसेस है उसको चालू कर दो आप, कोर्ट का इंटरवीन ना हो। एक्सटेंशन ऑफ द वर्किंग डे टू 12 आवर्स विदाउट द कर्ब्स ऑन ओवरटाइम, यानी कुल मिला के 12 घंटे काम कराइए मजदूरों से आप। एंड कई प्रकार के अधिकारों को छीनना, जैसे कि मातृत्व लाभ, महिला मजदूर के मातृत्व लाभ को छीनना, ट्रेड यूनियन बनाने के अधिकार को छीनना, ये कई अधिकार आपने काम किए हैं जो छीन लिए मजदूरों से, आपको लगता है इससे इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। आशीर्वाद सर आप क्या बोलते हैं इस बारे में? तो मैं कहूँगा दोस्त, अधिकार दिया है, कानून में है, लिखा है कि आप ऐसा कर सकते हैं। सेक्शन 5 फैक्ट्री एक्ट कहता है कि आपदा आने पर, क्राइसिस आने पर, पब्लिक इमरजेंसी होने पर राज्य ऐसा कर सकता है, दो राय नहीं है, यानी अधिकार दिया है, कुछ सोच के दिया होगा अधिकार, बात ठीक है आपकी। लेकिन ये अधिकार जब दिया गया होगा तब शायद डिबेट हुई देखा नहीं गया, एग्जाम्पल नहीं थे हमारे पास कि क्या केवल इसके करने से निवेश बढ़ेगा, इसके करने से केवल निवेश बढ़ सकता है क्या, आइए इस पर चर्चा कर लें एक बार। तो क्या इससे निवेश बढ़ेगा? ठीक है, मुझे ऐसा नहीं लगता, बात का उत्तरी भारत के राज्यों की, जहां पर काफ़ी कम है वेतन, श्रमिक काफ़ी कम मिलते हैं अपने आप में, लेकिन उसके बाद भी वहां निवेश नहीं है। भूल जाइए क्राइसिस, इस समय क्राइसिस तो अभी आई है, 1 साल पहले, 2 साल पहले, 5 साल, 10 साल, 15-20 साल पहले चलें, जहां तो उत्तर भारत में श्रम कानून बहुत अच्छे हैं ही नहीं। उत्तर भारत में आप आइए, आपको लगता है केरल या बंगाल की तरह ट्रेड यूनियन बनी है यहां पर? नहीं बनी है। क्या आपको लगता है कि इंस्पेक्टर आज बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, या आपको लगता है मजदूरों के हितों की बात बहुत ज़्यादा होती रही है यहाँ पर, या वर्कर राइट बहुत स्ट्रांग है एमपी, राजस्थान, यूपी के अंदर? तो आप बड़ी गलतफहमी कर रहे हैं, नहीं है, ऑलरेडी नहीं है, ऑलरेडी वहाँ तो है ही नहीं अधिकार इन राज्यों में। आपको लगता है मजदूरों का अधिकार बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर? है ही नहीं हमारे यहाँ मजदूरों का राइट। साउथ में स्ट्रांग राइट्स हैं, बंगाल में जाइए, केरल में जाइए, तमिलनाडु में जाइए, कर्नाटक में जाइए, वहाँ वर्कर्स यूनियन हैं और वहाँ अच्छा काम कर रही हैं, उसके बाद भी वहाँ इन्वेस्टमेंट है। यानी कि वर्कर्स राइट्स और इन्वेस्टमेंट में बहुत अधिक संबंध नहीं है, बहुत अधिक क्लोज रिलेशन नहीं है, इतना कोरिलेशन नहीं है वहाँ पर जितना कि हमको दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। आइए जरा व्हाट अट्रैक्ट्स इन्वेस्टमेंट, क्या निवेश के लिए क्या चाहिए आपको मालूम है? एक रिलायबल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, अवसंरचना चाहिए आपको, सड़कें चाहिए, बिजली चाहिए, बंदरगाह चाहिए आपको, आपको लॉ एंड ऑर्डर चाहिए, कानून व्यवस्था चाहिए आपको। जैसा कि आप देखेंगे सदर्न स्टेट जो हैं देश के, दक्षिणी राज्य जो हैं, वहाँ कानून व्यवस्था बेहतर है मुकाबले में उत्तर भारत के, दो राय नहीं है। एनसीआरबी की रिपोर्ट आके देखेंगे मिल जाएगा आपको, एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जो बकायदा कहता है कि उत्तर भारत के राज्यों में क्राइम रेट ज़्यादा है बनिस्बत साउथ राज्य में, इन पॉइंट बात है। तो आपके यहाँ लॉ एंड ऑर्डर अच्छा नहीं है तो इसके लिए मजदूर एक्ट जिम्मेदार नहीं है। तीसरी बात, कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट, कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट यानी कि जो संविदाएं हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है पार्टीज के बीच, उसको लागू करने की जिम्मेदारी कैसे? एग्जांपल, बैंक ने लोन दिया आशीर्वाद को, ये कॉन्ट्रैक्ट है भैया मैं लौटाऊंगा उसको लोन, अब मैं नहीं लौटा था कॉन्ट्रैक्ट, भग गया लेके पैसा, या मैं नहीं लौटा रहा हूँ, या मैंने कंपनी एक हूँ कंपनी दो को वादा किया कि मैं आपको माल की सप्लाई करूंगा इस डेट पर, नहीं कर रहा हूँ, डिले कर दिया, तो क्या कोई कानून एजेंसी है जो पकड़ के मुझे जेल में डालेगी या इन्फोर्स करा पाएगी मुझसे? बहुत कमज़ोर है उत्तर भारत में कानून कई प्रकार का, उत्तर भारत में स्टेट कानून या सेंट्रल लॉ प्रॉपर नहीं लग पाते क्योंकि पुलिस व्यवस्था करप्ट है, बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक काम नहीं होता है, न्यायालय बहुत देरी से काम होता है, कोर्ट केस करते रहिए, लड़ते रहिए कोर्ट में जाकर ना, इतना आपके पास संस्थाएँ नहीं है कि वो आप जीत पाएँ कोर्ट में केस। आपने ऑर्डर नहीं समय पर काम किया मेरा पूरा, मैं आपको कोर्ट में घसीट के ले जाऊँगा, कोर्ट इतना धीमे काम करता है कि कोर्ट काम ही नहीं करता है, तो देरी से मिला न्याय भी अन्याय के समान होता है, वही बात यहाँ होती है। आपके पास कोई एन्फोर्समेंट एजेंसी नहीं है जो कॉन्ट्रैक्ट्स को लागू करवा सके, यानी कि वी डेंट हैव अ कॉन्ट्रैक्ट एन्फोर्समेंट एजेंसीज। साउथ में थोड़ा ठीक मामले हैं यहाँ पर, वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट एन्फोर्समेंट होते हैं, डायरेक्टरेट होते हैं जो फैसले करते हैं। तो आपको क्या चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जो नहीं है उत्तर भारत में, क्या आपको यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर है जो नहीं है उत्तर भारत में, कॉन्ट्रैक्ट एन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं जी नहीं है, डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सामाजिक अवसंरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य है उत्तर भारत में, कंपेयर करेंगे आपको मिलेगा साउथ से नेगेटिव रिजल्ट। केरल में जाइए, COVID-19 केस 0 होने के कगार पे आ गए हैं, नए केस बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ रहे हैं, वहीं महाराष्ट्र में, वहीं
आप आइए एमपी में, राजस्थान में, दिल्ली में, बिहार में, यूपी में नंबर ऑफ केस बढ़ रहे हैं। जांच अभी होनी, अबकी जांच नहीं हुई, जांच होगी तो ऑफकोर्स बहुत तेजी से बढ़ेंगे केस यहाँ भी। तो ऐसे में ये आपको चाहिए होता है ना कि केवल और केवल लेबर लॉ कम करने से इन्वेस्ट में, केवल लेबर लॉ भी एक फैक्टर है, दो राय नहीं है, वो भी बड़ा कारक है, लेकिन वो सब कुछ नहीं है। आपको यहाँ भी काम करना चाहिए, जो आप नहीं कर रहे हैं और आप मानते हैं लेबर का अधिकार छीन लो, इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। चलिए, तो क्या करना है ये राज्यों को, यहाँ पर आपको क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस देनी चाहिए जो नहीं दे पा रहे हैं आप। आपकी सिविल सोसाइटी मैच्योर होनी चाहिए, सिविल सोसाइटी अच्छी मैच्योर होगी ना। सिविल सोसाइटी मतलब क्या है, नागरिक समाज। जितने नागरिक समाज मैच्योर होंगे, वर्कर्स के हितों का ध्यान रखेंगे, मालिकों के हितों का ध्यान रखेंगे, मिलकर काम करेंगे, नागरिक समाज जितना बेहतर होगा, जितना सिविलाइज्ड होगा, जितना वो रिस्पेक्ट करेगा लॉ एंड ऑर्डर का, उतना मदद करेगा आपको निवेश करने में, जो नहीं है हमारे उत्तर भारत के राज्यों में। इंडस्ट्रियल सक्सेस डिपेंड किस पर करती है, औद्योगिक सफलता किस पर निर्भर करती है, मालूम है आपको, मूविंग अप टू द टेक्नोलॉजी चेन एंड बिकमिंग मोर एनवायरमेंट रिस्पॉन्सिबल। बहुत अच्छी लाइन लगे दोस्तों, इसी में इस आर्टिकल को चयन किया आपके पढ़ाने के लिए आज। ये आर्टिकल में बहुत अच्छी बातें कही गई हैं। इसमें कहा गया है, आज से कुछ साल पहले तक ना चीन में भी ये काम होता था, चीन में भी लेबर लॉ नहीं थे, चीन में लेबर लॉ नहीं ना के बराबर थे, वहाँ पर श्रमिकों का बहुत कहना चाहिए प्रकार से अत्याचार होता था उनके ऊपर, मालिक ही सब कुछ थे अपने आप में, चीन के अंदर मालिक इंडस्ट्रियल मालिक ही सब कुछ हुआ करता था, उसकी सरकार से साठगांठ थी। सरकार ने कहा भैया तुम मजदूर को सैलरी मत दो, बहुत कम पैसा दो, लेकिन तुम सस्ता सामान बनाओ, हमें एक्सपोर्ट करना है। तो सरकार और मालिक मिलकर चला रहे थे देश को, मजदूरों की हालत बहुत दयनीय थी, ठीक है। लेकिन क्या इससे चीन में निवेश आया? नहीं। चीन ने क्या किया उसके बाद? चीन ने अपने यहाँ टेक्नोलॉजी को इनोवेट किया, मजदूरों को ट्रेनिंग दी, अच्छे लेबर लॉ इंट्रोड्यूस किए, मजदूरों के वेलफेयर पे ध्यान दिया, उनको सोशल कैपिटल दी, उनको सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, साहित्य दिया, शिक्षा और विज्ञान दिया उनको, उनको स्वास्थ्य दिया उन्होंने, माफ कीजिएगा, जिसका परिणाम क्या हुआ दोस्तों, जिसका परिणाम ये हुआ कि वो टेक्नोलॉजी चेन में ऊपर बढ़े। जो पहले वो घटिया फ़ोन बनाया करता था, आज से 15 साल पहले मेड इन चाइना खराब ब्रांड हुआ करता था, आज मेड इन चाइना ग्लोबल ब्रांड बन चुका है। दुनिया भर की टेक कंपनियां, एप्पल से लेकर सैमसंग से लेकर बड़ी बड़ी डेल कंपनी तक वहां पर अपने प्लांट लगा रही हैं, वहां पर उत्पादन कर रही हैं, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी चेन में आगे बढ़ चुका है। चाइना की खुद की कंपनियां दुनिया में हंगामा कर रही हैं तकनीक के मामले में। सस्ता तो है ये, वो अलग बात है, लार्ज स्केल पे करता है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ गया है। मेड इन चाइना तो 15 साल पहले एक बुराई हुआ करती थी अपने आप में, आज मेड इन चाइना ब्रांड एक सक्सेसफुल ब्रांड बन चुका है। यानी हुआ क्या, चीन ने केवल लेबर लॉ पे ध्यान दिया, उनकी स्किल पे ध्यान दिया, उनके कल्याण पे ध्यान दिया, तो निवेश और ज़्यादा आया। यानी कि अधिकार छीनने की जगह उन्हें और एम्पावर किया जाए, उन्हें और बेहतर किया जाए, तो शायद स्थिति बेहतर हो सकती है, निवेश वहाँ आएगा, वहाँ पर निवेश रुका हुआ है। क्लियर दोस्तों? आप पर एक हमारे टीवी पर आते हैं बाबा साहब, बाबा जी, वो कहते हैं कृपा अटकी हुई है, तो कृपा कहाँ अटकी हुई है मालूम, समझ गए होंगे दोस्तों आप लोग, बड़े अजीब हैं यार, मतलब क्या क्या दिखाते हैं टीवी पर। आजकल टीवी बहुत देखते हैं ना हम लोग घर में, तो टीवी बहुत देखना होता है, तो आजकल मैं देख रहा था उनका एक प्रोग्राम का एक झलक, एक ट्रेलर देख रहा था, क्या करते हैं वो, तो कहाँ समझ गए ना आप, कहाँ आपकी कृपा हमारी यहाँ अटकी हुई है। मतलब क्या दोस्तों, टेक्नोलॉजी चेन को हमें आगे ले जाना होगा, हमें उनको एम्पावर करना होगा, ना कि उनके अधिकारों को छीनना होगा। बात समझ आई दोस्तों हमारी यहाँ पर? उम्मीद कर रहा हूँ बात आपको समझ में आ गई है, ठीक है, ठीक है। और क्या करना होगा समझिएगा, चीन ने समझ लिया इस मॉडल को, चीन आज निवेश प्राप्त कर रहा है, बड़े इसके बाद चीन में निवेश जा रहा था, कोविड 19 के बाद अलग स्थिति बदल जाए, लेकिन कोविड 19 के पहले तक चीन बड़ा निवेश प्राप्त कर रहा था। कारण था, उसने इस बात को समझ लिया, इस फॉर्मूले को, इसको जापान समझ चुका है, इसको साउथ कोरिया बहुत पहले समझ चुका है। तो ऐसे में आप समझेंगे, आप सोचिएगा, दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड लेबर कहाँ की है, संगठित लेबर कहाँ की, हमारे यहाँ तो असंगठित है 90% ना, लेबर राइट्स है नहीं उनके पास, वहाँ दुनिया का ऑर्गेनाइज लेबर कहाँ की है, साउथ कोरिया की, मोर देन 85% वहाँ ऑर्गेनाइज है, संगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। दैट शोज कि कहीं ना कहीं जितना संगठित होंगे, जितना मजदूर लॉ काम करेंगे, जितना इफेक्टिवली काम करेंगे, उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट प्राप्त करेंगे। तो हमको आवश्यकता क्या है, लेबर लॉ को सस्पेंड करने की, या तर्क दिया जाए कि निवेश बढ़ेगा इससे, तो शायद हम लोग लेबर लॉ, लेबर के अधिकारों को दबाना चाह रहे हैं कोविड 19 का बहाना लेकर। फिर तो यही कहा जाएगा यहाँ पर जनाब, यही कहा जाएगा कि सरकारें अपनी असफलताएं छुपा रही हैं, कि आपको इंफ्रा देना चाहिए था, आपको सोशल कैपिटल देनी चाहिए थी, आपको निवेश करने के लिए गुड गवर्नेंस देनी चाहिए, लॉ ऑर्डर देना चाहिए था, आप वो नहीं दे रहे हैं, आप मजदूर के अधिकार को छीनकर मौका दे रहे इंडस्ट्रीज़ को, आई है इंडस्ट्रीज़ नहीं आएंगी, इंडस्ट्रीज़ बाकी चीज़ देखती हैं। दोस्तों मैं आपको इसका एक प्रमाण देता हूँ, आपने सुना होगा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का नाम, एक रैंकिंग आती है हर साल भारत की, सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा, आइए मैं आपको दिखाता हूँ उसके बारे में कुछ चर्चा करता हूँ। ये रैंक है भारत की पिछले कुछ सालों में, कुछ रैंक है भारत की, मैं स्विच कर दूं, आप देख पाएं इसको आराम से, रहा
ओके, वर्ल्ड बैंक भारत की रैंक को दिखा रहा है, 142 से 63 हो चुकी है लास्ट ईयर तक आते आते। हमारे यहाँ बेहतर हुई है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, लेकिन अभी भी इस इतना होने के बाद भी हमारे यहाँ पर समस्या कहाँ पर है, बिजनेस को स्टार्ट करना बहुत मुश्किल काम है हमारे यहाँ पर। हमारे यहाँ आज भी बिजनेस को स्टार्ट करना बड़ा मुश्किल काम है। हमारे यहाँ आज भी प्रॉपर्टी को रजिस्टर करना बड़ा मुश्किल काम है। टैक्स को भरने के लिए बहुत समस्या होती है। एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, मैंने कहा याद रखिएगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 10 पैरामीटर तैयार होती है, 10 में से 4 पैरामीटर हैं जब हाथ को बहुत काम करना है। एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, मैंने कहा ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। टैक्सेस को भरना, प्रॉपर्टी रजिस्टर करना, सोचिएगा भारत में एक बिजनेस स्टार्ट करना हो आपको 18 दिन लगते हैं शुरू करने में। सिंगापुर में 1 दिन लगता है, कुछ घंटे लगते हैं, चाइना में 2 दिन लगते हैं, हमारे 18 दिन लगते हैं नया बिजनेस शुरू करने में। तो समस्या कहाँ पर है निवेश प्राप्त करने में? समस्या दोस्त यहाँ पर समस्या केवल मज़दूर की नहीं है, क्योंकि इन 10 में तो मालूम मज़दूरों के नियम भी नहीं होते। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंक की बात करूँ तो वहाँ तो 10 में से मज़दूर के लॉ कामगार के अधिकार भी नहीं होते। वो तो मानता ही नहीं कि ये कोई चीज़ है अपने आप में। बिजनेस को शुरू करना, उसको चलाना, इसे मजदूर राइट्स की बात ही नहीं होती। यहाँ बात होती है डिफरेंट फैक्टर्स की। बात करें अभी भी ठीक दिख रही है, लेकिन यहाँ पर काम करना बहुत बचा हुआ है। तो उसके लिए मजदूर लॉ नहीं चाहिए हमको, हमें चाहिए देश में इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉ एंड ऑर्डर, गुड गवर्नेंस और सोशल कैपिटल, जिसकी आवश्यकता है जो हम नहीं दे पा रहे हैं। उम्मीद करो मेरी बात अब तक पहुँच गई दोस्तों, पहुँच गई है तो मैं आगे बढ़ूँ आपके साथ। चलिए चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं आपके साथ। मैं आर्टिकल पहुँच गया अब तक मेरा, ये शायद देखना पड़ेगा किस अखबार से निकाला, मैंने आज के अखबार किसी निकाला, ये अच्छा आर्टिकल था मुझे लगा ये काम का है। ठीक है, तो इंडिया को क्या करना पड़ेगा दोस्तों? इंडिया को इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपनी सामाजिक पूंजी में। हमें अपनी इस युवा आबादी का लाभ लेना होगा, उन्हें अच्छे उन्हें रिसोर्स देने होंगे, उन्हें अच्छे एजुकेशन, अच्छी हेल्थ देनी होगी। इंस्टेड ऑफ लेबर लॉ को हटाकर हमें ध्यान देना होगा। इसके अलावा जो छोटे उद्योग हैं, समझिए बड़ा इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर आर्टिकल में लिखी, लास्ट में आता हूँ। इस आर्टिकल में लिखा था कि छोटे उद्योग जो हैं उनको लेबर लॉ से ज़्यादा ना, उनको लेबर कानून में छूट से ज़्यादा उन्हें कुछ और चाहिए। उन्हें चाहिए फिस्कल पैकेज, उन्हें चाहिए एक वित्तीय राहत पैकेज। उन्होंने यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि जब महान मंदी आई थी 1929 के आसपास, 1929 के आसपास महान मंदी आई थी, या फिर 2008 में भी एक मंदी देखी थी हम लोगों ने, ग्रेट डिप्रेशन देखा था हम लोगों ने। इन दोनों मंदियों के समय, इन दोनों रिसेशन के समय सरकारों ने लेबर लॉ कमज़ोर नहीं किए थे, सरकारों ने केवल वित्तीय पैकेज जारी किए थे और रिकवरी कर गई थी इंडस्ट्रीज वहाँ पर। समझिएगा हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को लाइन ऑफ क्रेडिट का सपोर्ट चाहिए, उन्हें पैसा चाहिए, उन्हें साख चाहिए, उन्हें वेतन में सब्सिडी चाहिए, यानी वो जो वेतन दे मजदूरों को उसमें कुछ सरकार सहयोग कर दे। यदि वो 10,000 रुपये दे रहा है अपने मजदूर को तो 4 रुपये सरकार डाल दे उसके अंदर, उसके लिए वेज सब्सिडी चाहिए उनको वहाँ पर, जैसा कि ब्रिटेन ने किया है। फिस्कल स्टिमुलस पैकेज चाहिए उनको, ना कि उनको लेबर एक्ट में रिफॉर्म चाहिए। तो यहाँ पर समझिएगा, जब महान मंदी आई थी तब केवल और केवल फिस्कल स्टिमुलस ने अपना काम कर दिया था, समय आ चुका है वही काम किया जाए। केवल वित्तीय पैकेज जारी कर दीजिए इंडस्ट्रीज़ को, आपका काम आसान हो जाएगा। क्या वित्तीय पैकेज हमारे पास है? सवाल तो यहीं उठता है। आशीर्वाद सर, आपने कहा था शुरू से कि 5 से 6 लाख रुपये का पैकेज चाहिए, आया क्या अब तक तो नहीं आया। उम्मीद करता हूँ, अभी भी उम्मीद पर कायम हूँ, शायद सरकार जारी करेगी। मैं आज भी उम्मीद कर रहा हूँ, आज भी इस उम्मीद पर कायम हूँ कि सरकार आने वाले दिनों में राहत पैकेज जारी करेगी। हालांकि बहुत देर हो चुकी है, 50 दिन गुजर चुके हैं राहत पैकेज की उम्मीद कर रहा हूं 50 दिनों से, लेकिन मैं जानता हूं कि सरकार कभी ना कभी जारी करेगी। उम्मीद पर सरकार खड़ी उतर रही है हमारी, शायद डिले हो रहा होगा पैकेज, पैसा इंतजाम कर रही होगी सरकार कैसे किया जाए, लेकिन सरकार पैकेज जरूर जारी करेगी, मैं इस उम्मीद पर हूं अब तक। तो अगर पैकेज जारी नहीं हुआ, ऑलरेडी मजदूर अपने घर जा चुके हैं, जाने के रास्ते में हैं, पैदल जा रहे हैं, साइकिल पर जा रहे हैं अपने घरों तक, कैसे भी वो चले गए, उसके बाद पैकेज आया तो कोई मतलब का नहीं रह जाएगा। अगर आप मजदूर को रोकना चाहते हैं, इंडस्ट्री को वादा कीजिए, इंडस्ट्री एक SMS डाले अपने सारे मजदूरों को कि जनाब मत जाइए, आपकी सैलरी आ रही है, आपकी सैलरी में आधा हम देंगे, आधा सरकार दे रही है। यदि आप इंडस्ट्री बोलेंगे मजदूरों को ना, तो मजदूर नहीं जाएंगे अपने घर। आवश्यकता है, वो क्यों जा रहे हैं घर? उनको मालूम है सैलरी मिलने वाली नहीं है, 2 महीने लॉकडाउन के हो चुके हैं, 1 तारीख को सैलरी नहीं आएगी, वो उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। अगर उनको भरोसा हो जाए कि नहीं सैलरी आएगी, उनकी अगर सैलरी आएगी तो उनसे जुड़े हुए बाकी जो असंगठित क्षेत्र हैं वो भी रन करेंगे, वो भी चालू होंगे, उनको मालूम पैसा उनका भी आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, पैकेज डिले हो रहा है। मैं चाहूँगा सरकार जल्द से पैकेज जारी करे, और शायद अगर आप 2-4 दिन में नहीं किया तो बहुत डिले हो जाएगा, ऑलरेडी डिले हो चुका है जो कि पैकेज। उम्मीद कर रहा हूँ बातें पहुँच गई दोस्तों अब तक मेरी यहाँ पर, ये उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ पर बातें आ चुकी हैं अब तक। चलिए, तो हमें ये काम करना होगा, इसमें कुछ और काम नहीं करना है।
हालांकि एक पक्ष और लिया इस आर्टिकल में, दो मिनट और दीजिए बस, केवल इस आर्टिकल में एक पक्ष और लिया गया है। उन्होंने कहा है कि कई राज्यों में जहां लेबर लॉ बहुत टफ हैं, जहां लेबर का ही राज चलता है, जहां श्रमिक का ही राज चलता है, एक शब्द उन्होंने यूज़ किया आर्टिकल में, लेबर मिलिटेंसी, बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है, बड़ा स्ट्रांग वर्ड है, लेबर मिलिटेंसी। मिलिटेंसी मतलब का उग्रवाद। तो जहां श्रमिक उग्रवाद है, जहां श्रमिकों का कानून बहुत स्ट्रांग है, जहां बात बात पर तालाबंदी कर देते हैं वो लोग, बात बात पर मालिक को भड़का देते, मार मार देते हैं, बात बात पर यूनियन स्ट्राइक कर देती है, वहां अगर देखा जाए तो वहां के लिए भी ठीक है चीज़ें हैं, वहां इन्वेस्ट नहीं होता। तो जहां श्रम कानून बहुत कठोर है ना, बहुत ज़्यादा अधिकार श्रमिकों के हाथ में दे रखा है, वहां भी निवेश नहीं होता। एग्जाम्पल उन्होंने कहा है जैसे कि वेस्ट बंगाल और केरल का नाम लिया उन्होंने, यहाँ पर जहाँ लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट थी, जहाँ पर वामपंथी सरकारें थीं, जिन्होंने निवेश को महत्व नहीं दिया, जिन्होंने श्रम कानून को महत्व दिया, तो वो भी यहाँ पर छूट प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। जहाँ इंस्पेक्टर राज बहुत ज़्यादा था, सरकार इंडस्ट्री में बहुत इंस्पेक्टर राज करती थी, सरकार बहुत जांच करती थी, वहाँ भी निवेश नहीं आता है। तो हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर डीरेगुलेशन केवल एकमात्र साधन नहीं है, हमें यहाँ पर क्या है, हमको स्किल वर्कफोर्स चाहिए और इंडस्ट्री को चाहिए स्किल वर्कफोर्स। उसके लिए लेबर कानून में छूट देना पर्याप्त नहीं होगा, आपको कुछ और भी काम करना पड़ेगा। बात पहुँच गई उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों, थंबनेल का निशान बनाइए, लाइक का बटन दबाइए, बताइए मुझे बात पहुँची कि नहीं पहुँची अब तक। राजेश कुमार यादव कह रहे हैं सर मैं 10 लाख करोड़ का पैकेज जारी कर रहा हूँ। सौरभ कह रहे हैं स्कोप कम है सर बट स्किलफुल भी बेरोजगार हैं। ठीक बात है, बहुत बढ़िया, लाइक इन द वेस्ट बंगाल का बॉल, ठीक है। लेबर मिलिटेंसी आप मत लिखिए कहीं ना, आपको आपको पत्रकार नहीं बनना है, आपको क्रांतिकारी नहीं बनना है, आप शब्द मत लिखिएगा लेबर मिलिटेंसी। ये शब्द सुनने में अच्छा लगता है, बड़ा स्ट्राइकिंग शब्द है, लेकिन आप इसका यूज़ कहीं मत कीजिएगा। मेरा मानना है शब्दों से बचना चाहिए, इस प्रकार शब्दों से ये अगर अपने आप में चरणबंदी शब्द है, पत्रकार है लिख सकता है वो, लिखने दीजिए उसको, आप मत यूज़ कीजिए अपनी कॉपी के अंदर लेबर मिलिटेंसी या शब्द। ठीक है दोस्तों, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं आपके साथ, मूव करूंगा अगले आर्टिकल पर। दोस्तों मैं अगला आर्टिकल लिखा है वेंकैया नायडू साहब ने, उपराष्ट्रपति हैं देश के वेंकैया नायडू, राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने ये आर्टिकल लिखा है, बात कर लेते हैं। ये आर्टिकल दो सीरीज में आएगा, ये हिंदू मेशाल आज के पेपर 2 पॉलिटी में काम आएगा आपको आर्टिकल ये, ठीक है। द नीड फॉर अ सेकेंड चैम्बर, जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों कल 13 मई है, 13 मई 1952 बहुत खास डेट है, मैं जरूर स्पेशल करूँगा आपके लिए कल, लेकिन समय देखना पड़ेगा कितना मिलता है मुझे स्पेशल के लिए। 13 मई 1952 ये बहुत खास डेट है हिंदुस्तान के इतिहास की, क्योंकि यहाँ पर संसद का पहला सत्र, दोनों हाउस बैठे थे, लोकसभा राज्यसभा दोनों हाउस बन गए थे, पहली उनकी मीटिंग चालू हुई थी 13 मई 1952 को, 68 ईयर्स पहले। तो उसी संदर्भ में लिखा है आर्टिकल राज्यसभा के सभापति ने, दो आर्टिकल आएंगे, एक आज आया है, एक इसकी सीरीज का पार्ट कल होगा, यानी टू बी कंटिन्यूड, ठीक है। सुन लीजिए आज के आर्टिकल में क्या कह रहे हैं, द नीड फॉर अ सेकंड चैम्बर, सुनिएगा आराम से, अगले 15 मिनट में दूंगा आपको, ध्यान से सुनिएगा आर्टिकल यहाँ पर। बाकी बता दूँ हिंदू में ना आज के आर्टिकल बहुत ज़्यादा काम के नहीं थे, इसलिए मैंने अन्य अखबार से आर्टिकल निकाले हैं, मैं आपको दिखा दूँ आज के। तो फोर्थ लेबर की बात कर रहे थे गौतम भाटिया साहब, इनके आर्टिकल समझ में नहीं आते क्या लिखते हैं, अपने वकील साहब हैं ये, ठीक है, कोई काम का नहीं है। वेलकम बता दिया आपको मैंने COVID-19 का, ठीक है, भेदभाव वाला आर्टिकल वृंदा कारत ने लिखा है चुकी आर्टिकल, वृंदा कारत लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी की हैं, तो असली में आर्टिकल नहीं लिया है मैंने आपके लिए, ये तो बहुत ज़्यादा ये चली गई उस एक्सट्रीम पर, हमारे काम का नहीं है आर्टिकल ये। इसके अलावा दूसरे पेज पर जाऊँ मैं अगर आपके, तो मैं आर्टिकल ले रहा हूँ द नीड फॉर सेकंड चैम्बर, राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू साहब ने लिखा है, यहाँ पर काम का नहीं है और ये कुछ काम का नहीं है दोस्तों। तो ये ले लिया मैंने आपके साथ, तो आज बहुत काम के आर्टिकल नहीं थे हिंदू में, इसलिए मैंने कुछ और अखबारों से आर्टिकल लिए आपके साथ। चलिए मूव करते हैं आपके साथ, बात करें क्या है द नीड फॉर अ सेकंड चैम्बर, द प्रपोजल फॉर द राज्यसभा एज अ सेकंड चैम्बर हैड नो इजी सीटिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। सुनिए आराम से, संविधान सभा जब बनी थी, संविधान सभा में चर्चा हुई क्या भारत को सेकेंड हाउस, दूसरे सदन की आवश्यकता है, क्या भारत का संसदीय व्यवस्था में दो सदन बनाए जाएं या केवल एक लोकसभा काफी रहेगी। तो उस पर एक डिबेट हुई, उस डिबेट को यहाँ पर राज्यसभा सभापति ने रखा है आज पहले आर्टिकल में, बात कर रहे हैं उस पर दोस्तों, सुनिएगा आराम से, ठीक है। हमने बताया मैंने आपको यहाँ पर, तो राज्यसभा बनी कब थी, बनी थी 3 अप्रैल 1952 को बनी थी राज्यसभा हमारी, ठीक बात है, यहाँ पर 3 अप्रैल 1952 को बनाई गई थी ये, और इसके बाद 13 मई को पहली मीटिंग हुई थी इनकी, 13 मई को पहला चर्चा हुई थी यहाँ पर। अब इंपॉर्टेंट बात आती है कि ये जब बना था तो संविधान सभा में काफ़ी चर्चा हुई, काफ़ी स्क्रूटनी हुई, सेकंड हाउस बनाया जाए क्या ना बनाया जाए,
बहुत लंबा डिस्कशन हुआ, इसके समर्थन में और इसके विरोध में काफ़ी बातें की गई। हमारे बातों को समझना है, आखिर क्या काम है यहाँ पर काउंसिल ऑफ स्टेट का, क्या काम है अपने आप में। चलिए तो शुरुआत कहाँ से करते हैं हम लोग, शुरुआत करते हैं भारत के अधिनियम 1919 में, जब ब्रिटिश रूल था इंडिया के अंदर 1919 में हमारे यहाँ दो सदन बनाए गए। 1919 का जो रिफॉर्म एक्ट था, जो 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, पहली बार उसमें दो हाउस की बात की जाती है। उसमें दो हाउस कौन कौन से थे दोस्तों, एक राज्य परिषद या काउंसिल ऑफ स्टेट्स, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पर काउंसिल ऑफ स्टेट, या लिखा हुआ मैं अंडरलाइन करता हूँ काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसमें 60 मेंबर थे, और एक विधानसभा जिसमें 145 मेंबर थे। विधानसभा 145 मेंबर थे, दोनों नाम से स्पष्ट हो रही हैं आपको, राज्य परिषद और विधानसभा। विधानसभा आपको डायरेक्ट इलेक्टेड थे, और जो आपके काउंसिल ऑफ स्टेट थे यानी कि जो आपके राज्य परिषद के लोग थे वो 60 मेंबर थे। वो कहाँ से आ रहे थे, उन्हें कुछ संपत्ति वाले लोग ही चुन सकते थे, जिनके पास अच्छा पैसा था वो वोट कर सकते थे उनके लिए, कुछ व्यापारी लोग वोट कर सकते थे उनके लिए, और जो जिनको अनुभव है विधानसभा का, विधायिका बनाने का, वही लोग एंटर कर सकते थे इस हाउस के अंदर, यानी एक्सपीरियंस लोग शामिल हो सकते थे इन 60 लोगों के अंदर केवल। यहाँ पर वोट कौन करता था, जिनका पैसा है, जिनके पास भू मालिक हैं, भू संपदा है जिनके पास, व्यापारी हैं बड़े, महिलाओं को ना तो वोट का अधिकार था और ना ही इस हाउस में एंटर करने का अधिकार था, अपर हाउस कह लीजिए या काउंसिल ऑफ स्टेट बोल लीजिए। महिलाओं को ना तो वोट का अधिकार था इसमें और ना ही उनको मेंबरशिप दी गई थी। बाद में इस काउंसिल ऑफ स्टेट में, इस काउंसिल ऑफ स्टेट नाम की सदन में कुछ रिफॉर्म किए गए, बढ़ाए गई संख्या को 1935 के एक्ट में बढ़ाया गया इसको। तो जीओआई एक्ट जो 1935 का है उसमें इसका विस्तार किया गया, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं 1935 का भारत अधिनियम कभी लागू ही नहीं हो पाया, खासकर क्योंकि उसके बाद वर्ल्ड वॉर चालू हो गया, पहला पोस्ट किया पार्टीज़ ने, फिर उसके बाद वर्ल्ड वॉर चालू हो गया, सस्पेंड हो गया, उसके देश आज़ाद हो गया, तो कभी लागू ही नहीं हो पाया 35 का एक्ट पूरे ढंग से। तो ऐसे में ये सुधार कभी लागू ही नहीं हुए। तो इम्पोर्टेंट बात थी, जब हमारे संविधान सभा बैठी तो संविधान सभा बनी हमारे यहाँ पर, तो ये था कि भाई कैसे करना है, कैसे इसको कंपेयर कंटिन्यू करना है या इसको ख़त्म करना है। तो यहाँ पर सुन लीजिए दोनों पक्ष आते हैं। तो पहली बात तो क्यों बनाए रखा जाए, इस पर चर्चा हुई यहाँ पर। तो भारत को क्या दो सदन की आवश्यकता है, क्या भारत का संसद दो सदनों से मिलकर बनेगा, राष्ट्रपति के अलावा दो सदनों से मिलकर बनेगा, तो इस पर चर्चा हुई यहाँ पर, सुन लीजिए। तो यहाँ पर उन्होंने पहली बात तो कहा कि भैया 1787 का अमेरिकी संविधान देखिए, जहाँ पहली बार इस कॉन्सेप्ट को लाया गया, दो सदन को कॉन्सेप्ट लाया गया यहाँ पर, जिन्होंने स्वीकार किया इस प्रिंसिपल को, ठीक है। इन्होंने कहा कि दुनिया में लगभग 41% संसदें हैं जो यहाँ पर लोकतंत्र है, उनमें से 41% संसद में दो हाउस हैं, समझिएगा। दुनिया में लगभग जितने लोकतंत्र है, जहाँ संसदीय प्रणाली, जहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उनमें से 41% देशों में दो सदन हैं, दो हाउस हैं, कुल मिला के 79 संख्या बनती है इस प्रकार से। 79 पार्लियामेंट्स हैं दुनिया में जहाँ दो सदन हैं, यानी कुल लोकतंत्र के 41% जगहों पर। कोई समस्या हमको नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो पहली बात तो एक तर्क मिलता है कि दुनिया के काफ़ी देशों में सिस्टम हमारे यहाँ आ सकता है। दूसरा, इसका रूप क्या हो अपने आप में, क्यों हो? तो यहाँ पर एक बात आती है संघवाद, फेडरलिज्म, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी अपने आप में। संघवाद को प्रदर्शित करने के लिए ये एक बहुत अच्छी व्यवस्था है दो सदन होना, तो संघवाद को प्रदर्शित करती है अपने आप में, फेडरल स्ट्रक्चर को प्रदर्शित करती है ये। तो यहाँ पर जब कुछ राज्य मिलकर, कुछ राज्य एक साथ आते हैं और पावर देते हैं केंद्र को, जनाब लॉ बनाइए आप, हम आपको बना रहे हैं सेंट्रल थोड़ी लॉ बनाइए आप, तो ऐसे में दो सदन ज़रूरी होते हैं, एक तो डायरेक्ट सेंटर और कहीं ना कहीं स्टेट के द्वारा बनाया गया यहाँ पर। तो दो सदन होना ज़रूरी है जहाँ फेडरल स्ट्रक्चर होता है। तो भारत में एक संघीय व्यवस्था बनाई गई है और संघीय व्यवस्था में राज्यसभा का इंपॉर्टेंट रोल बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ पर राज्यों की बात करती है, राज्यों की बात को कहती है फेडरल स्ट्रक्चर में आपके। कोई समस्या हमको नहीं है दोस्तों यहाँ पर, कोई समस्या नहीं है, आराम सुनिएगा यहाँ पर सुनिएगा आराम से। किताब है, फेमस एसे की किताब है, उसका नाम है द फेडरलिस्ट, इंपॉर्टेंट नाम है, उसको डाउनलोड कर सकते हैं आप, द फेडरलिस्ट। इसमें कई लोगों के एसे हैं, कई एक्सपर्ट्स के निबंध शामिल हैं, जेम्स मेडिसन की बात करें, एलेक्जेंडर हैमिल्टन की बात करें, जॉन जे की बात करें, नाम याद नहीं करने आपको। कुल मिलाकर द फेडरलिस्ट नाम की किताब जो लिखी गई, एसे का संकलन है एक प्रकार का, अमेरिकी संविधान के समय इसको लिखा गया था। उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है दूसरे हाउस की भूमिका को, उनका कहना क्या है, सेकेंड चैम्बर enables a second reflective expression of representative opinion. पहली बात तो समझिएगा, ये दूसरा सदन करता क्या, उन्होंने अपने ऐसे में लिखा है इस किताब में कि दूसरा सदन जो होता है ये करता क्या है, ये एक चुने हुए जो ओपिनियन है, चुने हुए जो लोग हैं उनके ओपिनियन के अतिरिक्त एक और अभिव्यक्ति दिखाता है। जो लोकसभा बना रही है आपके लोग, जो लोकसभा बना रही है आपके कानून, वहाँ जो अभिव्यक्ति दी गई, वहाँ जो एक्सप्रेशन दिए गए, वहाँ जो विचार रखे गए, साथ साथ एक और ओपिनियन देता है, जनाब ये भी कर सकते हैं, यानी एक प्रकार से काउंटर बैलेंस तो नहीं कहूँगा लेकिन अनदर ओपिनियन आता है, मतलब ओपिनियन साथ में हो या खिलाफ हो, समझिएगा। लोकसभा ने एक ओपिनियन दिया, ये विचार हमारा है,
राज्यसभा का अपने एक ओपिनियन हो सकता है, खिलाफ भी हो सकता है वो, सहयोगी हो सकता है, लेकिन डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो सकता है। तो यहाँ पर एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव के लिए, एक डिफरेंट ओपिनियन के लिए इस हाउस का होना जरूरी है। और दूसरा काम, चेकिंग द प्रोस्पेरिटी ऑफ द यील्ड इंपल्स ऑफ द सडन एंड द वॉलेंट पैशन। दूसरी बात, लोकसभा के ऊपर चेक एंड बैलेंस के लिए, वहाँ दो सदन थे, सीनेटर और रिप्रेजेंटेटिव हाउस, हमारे लोकसभा राज्यसभा बोल रहा हूँ मैं इसको, तो लोकसभा के खिलाफ या लोकसभा के ओपिनियन के साथ साथ एक और ओपिनियन लाने के लिए, और दूसरा लोकसभा में जो संसद बहुमत में है, जो सरकार बहुमत में है, वो कोई सडनली कानून पास कर दे, कुछ अपने आवेग में आके कानून पास कर दे, उसको बैलेंस करने के लिए भी राज्यसभा बनी हुई है। तो चेक एंड बैलेंस जो आप बना रहे हैं ओपिनियन, उसके खिलाफ एक और ओपिनियन, और आपको बैलेंस करने के लिए भी इसका होना जरूरी है। ये कहा था हैमिल्टन ने अपने एसे में, द फेडरलिस्ट नाम के एसे में, समझिएगा दोस्तों। इसके अलावा मॉन्टेस्क्यू, बहुत फेमस नाम, मॉन्टेस्क्यू जो फ्रेंच फिलोसोफर थे, फ्रांस के दार्शनिक थे, उनका कहना है, द लेजिस्लेटिव बॉडी बींग कम्पोज ऑफ टू पार्ट्स, दे चेक वन अनदर बाय द म्यूचुअल प्रिविलेज ऑफ रिजेक्टिंग। यानी दो सदन इसलिए होने चाहिए जिससे एक दूसरे के जो आदेश हैं, एक दूसरे के जो कानून हैं, उनको आप चेक कर सकें और रिजेक्ट करने का अधिकार रख सकें। तो मॉन्टेस्क्यू भी समर्थन करते हैं, ये कुल मिलाकर ये फ्रेंच फिलोसफर है, या बाकी जो लोग हैं ये सपोर्ट करते हैं दो सदनों का। ठीक है दोस्तों, हमने भी कहीं ना कहीं से सीखा चीज़ों को, आगे बढ़े अपने यहाँ पर हम लोग, अपने आगे चले हम लोग यहाँ से लेकर। अब बात करते हैं भारत की विधान, जो संसदीय विधान जब बन रहा था, जब विधान संविधान बन रहा था, तो संविधान सभा में डिबेट क्या हुई, समझिए बड़ा इंटरेस्टिंग डिबेट है ये, संविधान सभा में क्या हुआ। मोहम्मद ताहिर साहब जो समय संविधान सभा के एक प्रतिनिधि थे, संविधान सभा के मेंबर थे, उनका काम मानना था कि भैया ऊपरी सदन अब बिल्कुल आवश्यक नहीं है, राज्यसभा बिल्कुल आवश्यक नहीं है, और ये क्यों बनाई गई थी, जिससे जो साम्राज्यवादी लोग हैं वो शामिल हो सके कानून मेकिंग में। कुल मिलाकर अपर हाउस, इस नाम से स्पष्ट है, अपर हाउस ये कोई ज़रूरी नहीं है देश के अंदर, इसे क्यों बनाया गया था अंग्रेज़ों ने, जिससे कुछ एलीट वर्ग, कुछ संभ्रांत लोग, कुछ साम्राज्यवादी लोग इसमें शामिल हो सकें, पहली बात ताहिर साहब का कहना था। वहीं प्रोफेसर सिब्बन लाल सक्सेना, इनकी बात करें, इनका क्या मानना था, इनका मानना था भैया ये जो बनाएंगे आप सेकेंड हाउस ना, ये प्रगति के चक्र को रोक देगा, प्रूव टू बी अ क्लॉग इन द व्हील ऑफ प्रोग्रेस ऑफ द नेशन। इनका मानना था कि ये प्रगति के चक्र को रोक देगा, इसे बनाया जाना कोई जरूरी नहीं है। किसने कहा, सक्सेना साहब ने, इन पॉइंट नाम याद नहीं, इन पॉइंट बात है क्या क्या तर्क दिए गए, एक का माना साम्राज्यवादी है, एक का माना है प्रगति के चक्र को रोक देगा, जो कोई कानून बनाएगी संसद लोकसभा उसको रोक देगी राज्यसभा, तो ऐसा ना किया जाए। इसके अलावा उनका कहना था यहाँ पर सक्सेना साहब का, आवश्यकता क्या है इस समय देश को, तुरंत कानून बनाए जाएं, लॉ मेकिंग फास्ट होगी, काम जल्दी होगा, देश को आगे लेके जाएंगे, लेकिन तो अगर इसको रोक दिया जाता है ये ऑब्स्ट्रक्ट पैदा करेगा दूसरा सदन कानून बनाने में। लोकसभा फटाफट कानून बनाना चाहती है, कानून बनाया जाए और देश को आगे ले जाया जाए, लेकिन राज्यसभा उस कानून को रोक देगी, ऑब्स्ट्रक्ट करेगी, जिससे मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जैसा कि हम देखते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स है जो ब्रिटेन में, जहां संसद में मॉडल लिया, ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, वहां की संसद भी, वहां का हाउस ऑफ लॉर्ड्स वही काम करता है जो राज्यसभा कर सकती है, और वहां पर भी काम बहुत रोके गए हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और थे लोकनाथ मिश्रा की बात करें, लोकनाथ मिश्रा कहते हैं यहाँ पर, उन्होंने कहा कि ताकत देना लॉ मेकिंग की ऊपरी हाउस को गलत होगा, शक्तियाँ नहीं दी जानी चाहिए, यानी कुछ सदस्य अगेंस्ट थे राज्यसभा बनाने के, लेकिन कुछ सदस्य सपोर्ट कर रहे थे। अगर बात करें हम लोग उनकी राह, तो सपोर्ट कर रहे थे, जैसे कि नजरुद्दीन अहमद साहब सपोर्ट कर रहे थे, उनका मानना था कि अगर इसे शामिल करते हैं आप तो एक नई आवाज़ मिलेगी सुनने को, हमें एक नया व्यू मिलेगा सुनने को यहाँ पर, और हमने जो कहा कि विधान राज्यों के अधिकारों को सुनिश्चित कर पाएंगे हम लोग, राज्यों के अधिकार को आ पाएंगे यहाँ पर, तो निश्चित तौर पर कुछ लोग जैसे अनंतन स्वामी अयंगर साहब ये भी सपोर्ट कर रहे थे, एन गोपाला स्वामी अयंगर साहब ये भी सपोर्ट कर रहे थे। यानी कुल मिलाकर सपोर्ट करने वालों का तर्क वही था कि भैया एक तो ओपिनियन होगा और दूसरा राज्यों की बात को कहने का मौका मिलेगा, ये बात आ गई यहाँ पर। अब आश्वासन की बात सुन लीजिए, लास्ट में आके मैं कहूँगा यहाँ पर तीन पॉइंट बता दूँ आपको कि आखिर राज्यसभा का समर्थन क्यों किया गया, अंत में आकर राज्यसभा का समर्थन क्यों किया गया। पहली बात, लेजिस्लेशन टू रिवाइज, इन पॉइंट बात है, जो कानून बन रहा है उसमें एक अनदर ओपिनियन शामिल हो पाएगा, उसमें एक विचार शामिल हो पाएगा, तो जरूरी है रिवाइज और डिले लेजिस्लेशन विदाउट प्रूविंग अ क्लॉग इन द व्हील ऑफ प्रोग्रेस। ये माना गया कि हाँ, जो कानून बन रहा है उसको रिवाइज करना, उसको संशोधित करना भी जरूरी है, उसमें कुछ बदलाव होना भी जरूरी, सेकेंड ओपिनियन आना जरूरी है, हाँ, लेकिन ये ध्यान रखा जाएगा कि ऑब्स्ट्रक्ट ना पैदा करे, प्रगति के चक्र को ना रोक दे, वो ध्यान रखा जाएगा, लेकिन रिवाइज होना और विधायिका के काम को डिले होना अलग बात है, लेकिन ये पूरा प्रयास किया जाएगा कि क्लॉग ना हो जाए, प्रगति का चक्र ना रुक जाए, पहली बात, यानी एक नया ओपिनियन। दूसरी बात,
इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, राज्यों के अधिकारों को देखा जाएगा। ये राज्यसभा जो होगी राज्यों के अधिकारों को प्रेजेंट करेगी, राज्यों के अधिकारों को प्रदर्शित करेगी। ठीक बात है, यहाँ पर दोहराई नहीं है। फेडरलिज्म, यही बात आती है फेडरलिज्म की, संघवाद का रूप तभी साकार होगा जब राज्यों के अधिकारों को रखने वाली कोई संस्था आपके साथ काम कर रही होगी। जी हाँ दोस्तों, ये बात आ गई यहाँ पर। एंड तीसरा, बी अ डेलिब्रेटिव बॉडी होल्डिंग हाई क्वालिटी डिबेट्स ऑन इंपॉर्टेंट इश्यूज, यानी कि जरूरी आवश्यक मुद्दों पर एक ऐसी संस्था जो एक्सपर्ट से भरी है, विशेषज्ञ हैं, जहाँ पर एक्सपीरियंस लोग हैं, वो अच्छी क्वालिटी की डिबेट कर पाएंगे। ये सपना था हमारे, अब सब कहेंगे सर हंस रहे हैं आप, सपना था हमारे संविधान निर्माताओं का कि हाई क्वालिटी डिबेट होगी राज्यसभा के अंदर। बाकी आप जानते हैं, भविष्य तो आपके हाथों में दिख ही रहे हैं, क्या हुआ है वो मैं बात नहीं करूँगा उस पर, ठीक है। लेकिन अच्छी व्यवस्था है बनाई गई, तो समझ आ गया क्यों यहाँ पर अच्छी डिबेट हो, अच्छे ओपिनियन आए, लोकसभा पर चेक एंड बैलेंस रहे और राज्यों के अधिकारों को सामने लाया जाता रहे। इन चार पवित्र उद्देश्यों के साथ बनाया गया था हमारे यहाँ राज्यसभा को संविधान सभा ने। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उपराष्ट्रपति ने कहा है, मैं बताऊंगा कल आपको, तो उन्होंने कहा कहानी का भाग कल कंटिन्यू करेंगे आपके साथ, उन्होंने कहा है। तो आश्वासन, इस पर क्वेश्चन तैयार कर लिया दोस्तों, यहाँ पर एक क्वेश्चन आप देख लीजिए फटाफट, एक क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए, मैं आपकी स्क्रीन को स्विच करता हूँ, आप पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और प्रयास कीजिएगा अपना काम कर पाएँ आप लोग, स्क्रीनशॉट लीजिए आराम से। हाल के वर्षों में राज्यसभा की भूमिका एक अवरोधक सदन के रूप में सामने आई है, जांच करें संविधान निर्माताओं ने राज्यसभा की भूमिका को एक लोकसभा के विरोध के रूप में परिकल्पित की थी। तो यहाँ पर ओपिनियन दिए दोनों मैंने आपको, संविधान सभा में क्या हुआ था, ठीक है दोस्तों, इसको देख लीजिएगा आराम से, इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए बाहर आते हैं इससे हम लोग, तो ट्राई कीजिएगा उसको लिखने का। इस पर सेकंड पार्ट इसका कल होगा, यहाँ पर चर्चा मैं करूँगा कल इसके सेकंड पार्ट पर दोस्तों। तो उम्मीद कर रहा हूँ मेरी बातें पहुँच गई हैं आप तक। मैं कहा चैट बॉक्स नहीं देखा आज मैंने, ज़्यादा अच्छा किया वैसे नहीं देखा, तो ठीक ही चल रहा है मामला सुबह से, हमें विश्वास हो रहा है कि ठीक तकनीकी मामले ठीक चलते हैं हमारे यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन को आपने देख लिया होगा उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों। तो यहाँ मैं आपकी क्लास रुकूंगा, मिलेंगे 11:30 बजे हेल्थ सेक्टर में आपसे। ज़रूरी सूचना दे चुका हूँ मैं आपको, वो है 15 मई से नए बैच शुरू हो रहे हैं आपके प्लस पर भी, और 20 मई से यूट्यूब पर 2021 के नए बैच शुरू हो रहे हैं दोस्तों। तो ज्वाइन कीजिए हमको प्लस पर और यहाँ भी, दो यूट्यूब पर 2021 की तैयारियों को मुकम्मल कीजिए, हमारे साथ ज्वाइन कीजिए। मेरे अनुभव को फायदा उठाइए, थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं मेरे अनुभव को अगर आप, क्योंकि समय है, बातचीत के मौके हमारे पास अभी हैं, रणनीति बनाइए बैठकर मेरे साथ। तो मिलते हैं दोस्तों आपके साथ 11:30 बजे, तब तक ले दीजिए आज्ञा। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।